फ्रेंड 10 मिनट ये काम कर लीजिए और फिर देखिए आपकी बॉडी की चर्बी कैसे गायब हो जाती है, छू मंतर हो जाती है। जी हाँ, आपकी ईशा आपके सामने फिर से हाजिर है, स्वागत करती है आपका हमारे चैनल में। अगर आपकी पूरी बॉडी का फैट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो आप मेरा बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। आज ऐसी ही मैं आपको इजी एक्सरसाइज बताऊंगी जिसको आप इजीली फॉलो करेंगे और अपने पूरे बॉडी का वेट कम कर लेंगे। जी हाँ, लेकिन आगे मैं आपको वीडियो बताती थी कि आपको इस तरीके से करना है, ऐसे फॉलो करना है। आज नहीं, आज मैं कुछ नहीं बोलूँगी, आपको एक्सरसाइजेस करके दिखाऊंगी, आपको एज इट इज़ मुझे फॉलो करना है और कितने रैप्स मैं आपको करके दिखाऊंगी, सेम आपको उतने ही रैप्स करने हैं, उतने ही टाइम पीरियड का ब्रेक लेना है और सेम एज इट इज़ बस अपनी ईशा को फॉलो करना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट क्यों कर रहे हैं, जल्दी से आपके स्क्रीन पर रेड बटन है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वहीं बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको मेरी वीडियो का अपडेशन डे बाय डे मिलता रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाए। और साथ में अपने फ्रेंड्स, फैमिली, लव वन सबके साथ बहुत शेयर करो यार और बहुत सारा लाइक किया करो। आप वीडियो में वहीं थम्स अप बना हुआ है उसको बहुत सारा लाइक करें और अपने जो प्यारे प्यारे मुझे कमेंट्स करते हैं उसका प्लीज़ रिव्यू बताएं। मैं आपके साथ लाइव हुई हूँ, मुझे उसका रिव्यू बताएं कि मैं लाइव जो आपके साथ हुई थी आपको कैसा लगा। कई लोगों ने अगर मिस कर दिया है तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम जब आपके साथ लाइव हो वो कब हो, आप कब चाहते हैं, कौन से डे में आपके साथ लाइव हो, आप प्लीज़ मुझे वोटिंग्स करेगा, मेंशन करेगा कमेंट सेक्शन में कि आप उससे लाइव मिलना चाहते हैं, अपने सवालों के जवाब चाहते हैं। तो प्लीज़ इन सब के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएगा, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज कैसे करनी है और किन बातों का ध्यान रखना है। एक्सरसाइज करने के लिए आपको कंफर्टेबल क्लोथ पहने हैं, साथ ही आपको एक्सरसाइज करने के लिए कभी भी ज़मीन का इस्तेमाल नहीं करना, गद्दे का इस्तेमाल नहीं करना। आपको योगा मैट लेना है या दरी जो ऐसी जो स्टेबल रहे, खिसके नहीं, आपको उसका इस्तेमाल करना है ताकि आप इजीली एक्सरसाइज कर सकें, आप प्रॉपर फोर्स भी कर सकें और आपका जो स्ट्रेस जहाँ पड़ना है आपकी बॉडी पार्ट पे वहीं पड़े, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आपको कहीं एक्स्ट्रा पेन्स नहीं हो। तो चलिए मुझे फॉलो करिए फ्रेंड्स। अब आपको जो मैं बता रही हूँ बहुत बॉडी के लिए बहुत परफेक्ट वार्म अप है, जैसे आपको स्वेटिंग अगर आपकी बॉडी में लेकर आनी है और आप कहीं बाहर नहीं जा पा रहे, जॉगिंग पर नहीं फास्ट फास्ट वॉक कर पा रहे, तो आप ब्रिस्क वॉक नहीं कर पा रहे, तो आप सेम जगह पे खड़े खड़े कैसे कर सकते हैं वार्म अप, अपनी बॉडी का वेट कैसे कम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए एज इट इज आपको मुझे फॉलो करना है, उतनी ही स्पीड रखनी है और इसके ये अब रैप्स का झंझट नहीं है, जो आप मेरा एक्सरसाइज बाकी देते उसमें रैप्स आपको याद करने पड़ते थे, रैप्स नहीं है, सेकेंड्स के लिए करना है, 90 सेकेंड आपको करना है। वॉल वॉच है अदरवाइज ठीक है, नहीं तो हैंड में आप वॉच पहन सकते हैं मेरी तरह, तो उससे आपको इजी रहेगा टाइम नोट करना। तो बस आइडिया भी हो ही जाता है एक दो बार करने से कितना हमने करा है कितना नहीं करा, बॉडी तो आपकी थकने ही लगेगी। तो चलिए एज इट इज मुझे फॉलो करिए। ये सेम आपको कर सकते हैं, शोल्डर्स आपको पीछे रखने हैं, हैंड्स आपको बहुत तेजी से मूव करने हैं, लेग्स भी, लेग्स इतने ऊपर हाइट में लेकर आने हैं कि आपका बेली में और यहाँ पे पूरी बॉडी में आपको स्वेट होने लगे और पेन होने लगे। पर हमारे 90 सेकंड्स कंप्लीट होते हैं, 90 सेकंड्स मिनिमम है ही है, अपनी मर्जी से प्लीज़ कम मत करिएगा, 90 के ऊपर चले जाइएगा लेकिन कम सेकंड्स के लिए नहीं करना प्लीज़, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम आप जितना बढ़ाना चाहो उतना बढ़ा सकते हैं, कम नहीं करना। ये मैंने आपका मिनिमम रेशो फिक्स कर दिया है, 90 सेकंड्स मिनिमम रेशो है, जो आपका बॉडी में जितना मर्जी हो प्लीज़ ट्राई करिए। थोड़ा सा ब्रीथ ज़्यादा हो जाएगा, सांस फूल जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली, परफेक्ट ही रहेंगे आप हमेशा और ज़्यादा परफेक्ट दिखने भी लगेंगे। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। We'll be right back.
सांस फूल जाएगा, टेंशन मत लीजिए, 2 मिनट बाद नॉर्मल हो जाएगा, मेरा भी फूल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम नॉर्मल अपने जो कम्फर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तो प्रॉब्लम तो होगा ही ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी तभी तो बॉडी का फैट खत्म होगा। तो प्लीज़ अगर आप और कंफर्टेबल हो चुके हैं, आपकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, सबको काफ़ी टाइम हो गया, 1 मंथ हो गया, तो उसकी स्पीड बढ़ा दीजिए, ऑटोमेटिकली आपका बॉडी जो है वेट जल्दी जल्दी कम होने लगेगा, स्वेट ज़्यादा होगा, बॉडी फैट आपका एकदम से निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो एज इट इसको फॉलो करिए, 60 सेकेंड्स करने हैं मिनिमम, नहीं करना आप ज़्यादा टाइमिंग्स के लिए कर सकते हैं। तो आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है, बीच में आप ब्रेक के टाइम थोड़ा सा पानी पी सकते हैं, 2 सिप पीना है, ज़्यादा मत कीजिएगा, टमी में पेन हो जाएगा, फिर आप कमेंट करेंगे, आपको खुद कुछ नहीं उसका हो पाएगा, टमी में पेन परमानेंटली होता ही रहेगा बहुत दिनों तक। थोड़ा सिप सिप पानी पी ताकि गला बस गीला हो जाए, जो हमें स्वेट हुआ है उसका थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। हम उसके साथ में हिम्मत नहीं हारनी है, कंटिन्यूस एक्सरसाइज फॉलो करते रहना है, रैप्स ज़्यादा करने हैं, अपना फेवरेट म्यूजिक प्ले करके बोर नहीं होना, एंटरटेन रखना, एनर्जी अपने अंदर रखनी ही रखनी है, और फिर देखिए आपका वेट कैसे कम हो जाएगा। अपने हैंड्स आप पीछे रखिए, हिप्स पे यहाँ रखते हैं, और अपने जो आपको लेग पीछे लेके जानी है तो यहाँ टच होनी चाहिए, इतनी जोर से जंप करना है हमें, पीछे लेके जाना कि हिप्स पे हमें टच होने चाहिए हमारे शूज़ या हमारे एडी जो है। आप देखिएगा कैसे करना है, स्टार्ट करिए मेरे साथ, मुझे फॉलो करिए। आपकी 60 सेकंड्स कंप्लीट होते हैं, रेशो बढ़ाना है, सेकंड्स बढ़ाने हैं, मिनिमम रेशो आपकी ईशा सेट कर चुकी है 60 सेकंड्स, इससे हमें कम नहीं जाना है, हमें ज़्यादा करना है, बहुत ज़्यादा करना है, इतना ज़्यादा कि पेन होने लगे, चला भी नहीं जाए, बैठा भी नहीं जाए, तभी तो बॉडी वेट कम होगा ना। तो प्लीज़ अब टाइम स्टार्ट हो गया है, बॉडी वेट को हमें बिल्कुल, अपना जो चर्बी है बॉडी को बिल्कुल ख़त्म कर देना है। तो एज इट इज़ मुझे फॉलो करिए, करेक्ट पोजिशन देखिए, रिपीटेशन ज़्यादा से ज़्यादा करिए, और फास्ट करना है, स्लो नहीं करना। फ्रेंड्स अब आपको सेम एज इट इज मुझे फॉलो करना है, टाइम आ गया है अपने रैप्स इंक्रीज करने का, सेकंड्स इंक्रीज करने का, तो ही हमारा बॉडी वेट कम होने वाला है, हमारा फैट जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगा और हम खूबसूरत दिखेंगे। ये वही है एग्जैक्ट जो आप स्कूल में करते थे, बहुत इफेक्टिव होने वाला आपकी बॉडी पर, बहुत थकना है, बहुत पेन हमें झेलना है बॉडी का, तभी हमारा जो फैट है वो दूर भाग जाएगा हमें छोड़कर। तो चलिए स्टार्ट करिए, एज इट इज मुझे फॉलो करिए। यहाँ पर हमारे 90 सेकंड्स कंप्लीट होते हैं, 90 सेकंड सेट हो चुका है, क्या करना है, हमेशा की तरह नीचे नहीं जाना, अप जाना है, टाइमिंग इंक्रीज करनी है ताकि बॉडी वेट भी अप दूर चला जाए। तो फिनिश होती है आपकी आपकी एक्सरसाइज, एज इट इज आप मुझे फॉलो करिए और फिर देखिए आप कितने फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे और खुश भी रहेंगे। तो फ्रेंड्स देखा आपने कितनी इजी एक्सरसाइजेज है, आपने इस तरीके से मुझे फॉलो करना है, इतने ही रैप्स करने हैं, रैप्स डे बाय डे इंक्रीज करने हैं, क्योंकि मैं आपके लिए नेक्स्ट टाइम नई वीडियो लेकर आऊँगी, तो उसमें मैं रैप्स आपको एक दिन में इतने रैप्स दिखा रही हूँ, नेक्स्ट डे आपको हमेशा उसके 20 मतलब 2 गुना एक्स्ट्रा करने हैं। अगर आज आपके साथ 20 रैप्स आपने मेरे साथ किए हैं तो आपको नेक्स्ट डे 40 करने हैं, आपने 10 रैप्स किए हैं मेरी एक्सरसाइज में तो आपको नेक्स्ट डे 20 करने, 30 करने, डबल बढ़ाने हैं सीधा, 10 के 20 एक्स्ट्रा करने, 30 करने, 30 करो 60 करने, रैप्स आप जितने ज़्यादा करेंगे उतना आपको बॉडी पे इफेक्ट आएगा। कोई भी एक्सरसाइज आप मेरी देख रहे हैं, चाहे ये वाला या कोई भी वीडियो अगर आप देख रहे हैं, तो आपसे यही हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप एक्सरसाइजेस पूरा दिन करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 2 बार करें, 4 बार करें, मैं तो कहती हूँ पूरा दिन एक्सरसाइज करें, तभी उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। अगर आप 10 रैप्स करके छोड़ देंगे, सोचेंगे आपकी बॉडी में मूवमेंट्स आ जाएंगी, आपको फील होगा, नहीं। अगर मैंने कोई एक्सरसाइज बताई है, 20 रैप्स मैंने करे हैं, तो उसका उतना ही दुगना तिगना, मतलब 20 के 4 सेट्स लगाइए, 100 टाइम्स करिए, तब जाके आपकी बॉडी में पेन होगा, आप हिल भी नहीं पाएंगे, तो इट मीन्स आपने बहुत अच्छा वर्कआउट किया है, आपका रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। तो देरी मत कीजिए, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को बहुत सारा लाइक करें, फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आपको मेरा वीडियो का अपडेशन डे बाय डे मिलता रहे और आपसे मेरी कोई भी इंपॉर्टेंट जो मैं एक्सरसाइज बताती हूँ वो मिस ना हो जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।